सबसे पहले रजत दा के लिए लेकर आइए, और तेरी स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसके ग्राफिक्स प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये स्टॉक 44-45 सीएमपी मतलब आसपास, इस समय का भाव समझ लीजिए 44-45 के आसपास चल रहा है, साल के हाई थे 69 के, तो वहां से ये स्टॉक 36% नीचे है, और साल के हाई छोड़िए उससे पहले स्टॉक ने ऑलमोस्ट 80 के लेवल्स देखे हुए हैं, तो वहां से तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधा 45% इस समय अपने उन हाई से नीचे कामकाज करता हुआ। हम रिटेल को बहुत उम्मीदें हैं रजत दा स्टॉक से, और मैं कई बार चैनल पे जब क्वेरीज लेता हूं तो कई सारे लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड हैं, हम सबको होप है कि ये शायद कल का एक बैंकिंग स्पेस का मल्टीबैगर होगा, पर इस समय भाव में वो नजर नहीं आ रहा, बनेगा ना मल्टीबैगर रजत दा? देखिए आशीष, मल्टीबैगर बनेगा या नहीं वो तो अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज सबको तोड़ ताड़ चुका है, और जब तक ये 48 के ऊपर नहीं चले जाते और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तब तक इसमें कोई फ्रेश बाई करके कि हम नीचे की लेवल पे लिया है फिर चलेगा ऊपर, ऐसा बोलना मुश्किल है। लेकिन आपके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, ओह तेरी, शायद कैपिटल फर्स्ट रह जाता। तो कैपिटल फर्स्ट का समय तो याद है, क्या रिटर्न्स कमा के दिए थे उस स्टॉक ने, ओह तेरी मोमेंट है हम सब के लिए आईडीएफसी फर्स्ट। तो रजत दा कह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग तो शायद इस स्टॉक से हम लोग को एग्जिट करना चाहिए, और अनटिल एंड अनलेस 48 के ऊपर डिसाइसिवली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रेड नहीं करता, शायद इसके हालात नहीं सुधरे। पर अग्रवाल सर, ये इस पर थोड़ा सा फंडामेंटल नजरिया भी चाहिए होगा, क्विकली ये रखना है क्या लॉन्ग टर्म के लिए आज से, या इससे बेहतर बैंकिंग में विकल्प मौजूद है मेरे पास? देखिए लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब इस स्टॉक के लिए होगा वेरी लॉन्ग टर्म, और ये क्या मतलब हुआ? 2-5 साल के लिए इंतजार करता हो तो हो सकता, मतलब ये हो कि 2-5 साल के लिए कोई इंतजार करने की चाहत रखता हो तो अलग बात है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक, और सबसे बेस्ट इन पूरे पायदान पे कहा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक पड़ता है, तो अननेसेसरी इसमें उलझने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ इन तीनों बैंक्स में कोई में भी एक निवेश किया जाए तो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न बैठ सकते हैं। छोटी अवधि में बात करें तो वोडाफोन में इनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, अगर वहां पे कुछ दिक्कत निकल कर आती है तो और प्रेशर देखने मिलेगा स्टॉक में। ओवरहैंग बना हुआ है तो थोड़ा सा देखिए, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों तरफ कंसर्न्स आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, लॉन्ग टर्म बहुत लॉन्ग टर्म 3-5 साल का टाइम होराइजन, हो सकता है एक अच्छा रिटर्न दे दे, पर इस समय पेन है और इस समय जो एक्सपोजर है उसको लेकर कंसर्न्स हैं स्ट्रीट में, यही रीजन है ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा इस समय कामकाज कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन पर।